दोस्तों, मानव इतिहास में सदियों से चांद के साथ हमारा गहरा रिश्ता रहा है और भारतीय संस्कृति में भी चांद को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। मगर दोस्तों, वहीं यदि हम साइंस या विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चांद हमारी धरती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव है। और यही कारण है दोस्तों कि कुछ ही दिनों पहले हमारे भारत ने इसरो से चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा ताकि वह वहां पहुंचकर चांद के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। मगर दोस्तों, इस उपलब्धि से पहले भी विज्ञान ने चांद के बारे में कई आश्चर्यजनक बातें पता लगाई है जिनके बारे में बेहद कम लोगों को ही पता होगा। और इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चांद और चंद्रयान से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और स्वागत है आपका टॉप 7 हिंदी में। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, चांद ही हमारी धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 4.53 अरब साल पहले धरती या थिया नामक ग्रह के बीच टक्कर होने से जो मलबा निकला था वह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह अवशेष एक दूसरे से जुड़ने के बाद चांद का रूप ले लिया। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, चांद का क्षेत्रफल तकरीबन अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि 370 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर दिन के वक्त अधिकतम तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात के वक्त तापमान -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, चांद धरती की 2300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से परिक्रमा करता है और साथ ही धरती का एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। वैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन अगर धरती से चांद का अस्तित्व खत्म हो जाए तो धरती पर एक दिन केवल 6 घंटे का होगा, जो काफी अजीब होगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, धरती से चांद की दूरी करीब 384,400 किलोमीटर है, जबकि चांद का वजन तकरीबन 81 अरब टन है। और दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि चांद हमारी धरती से हर साल तकरीबन 3.80 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, और अगर यही प्रक्रिया अगले 50 अरब वर्षों तक चलती रहेगी तब चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 47 दिनों का वक्त लगेगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, चांद पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी का नाम मून्स हायजिंस है, जिसकी लंबाई करीब 4700 मीटर है। और दोस्तों, पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरा दिखाई देता है तो यह अन्य दिनों के आधे चांद के मुकाबले तकरीबन 9 गुना ज्यादा चमकीला होता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जो कि नासा के अपोलो 11 मिशन के बीच में चांद पर गए थे। और नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर जब अपना पहला कदम रखा था तो उनके पैरों के निशान चंद्रमा की सतह पर अभी भी मौजूद हैं। यह निशान अगले कुछ वर्षों तक ऐसे ही बने रहेंगे क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, और यही कारण है कि आप चांद पर किसी से बात करेंगे तो वह इंसान आपकी आवाज को सुन नहीं पाएगा क्योंकि वह ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, भारत ने अब तक चांद पर कुल 3 अभियान भेजे हैं, जिसमें भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन में ऑर्बिटर और इंपेक्टर भेजे थे, जो कि पूरी तरह सफल हुए थे। जबकि चंद्रयान 2 के रूप में भारत ने अपना दूसरा अभियान 22 जुलाई 2019 को चांद पर भेजा था, जो कि असफल साबित हुआ। जबकि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के रूप में भारत ने इसी साल अपना तीसरा अभियान भेजा, जो कि पूरी तरह सफलतापूर्वक रहा और जिसने इतिहास बना डाला। और दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही वह चौथा देश बन गया है जिसने चांद की सतह को छुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।